हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू मंथली फोरकास्ट मंथ फ्रॉम मार्च 2018। माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन एंड नॉट फॉर योर जॉडिक साइन। लेट्स स्टार्ट फॉर द लियो असेंडेंस। फॉर लियो असेंडेंस मार्च 2018, गाइज, लेट मी एक्सप्लेन यू डायनामिक्स इन मार्च 2018। जुपिटर ट्रांजिट इन लिब्रा साइन और 10 मार्च को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। 12 जुलाई तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। सन आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस साइन में। 14th मार्च के बाद वो आपके 8th हाउस में पाइसिस में ट्रांजिट करेगा। 2nd मार्च को वीनस आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 3rd मार्च को मर्करी आपके 8th हाउस में वीनस के साथ कंजक्शन करके ट्रांजिट करना शुरू करेगा। सो गाइज, मेरी ये सारी प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस पे बेस्ड है। लियो असेंडेंस आपके लिए मार्च 2018 अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है कि राहु केतु आपके 12th और 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आने वाली हैं। फॉरेन रिलेटेड बिजनेस होने वाला है, नए टाइप्स होने वाला है। मार्च के जो पहले 15 दिन हैं गाइज, ये आपके लिए बहुत रिवार्डिंग जाने वाले हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी फील करोगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपके फॉर्चून में राइज होगा, आपके रुके हुए सारे काम क्लिक होंगे। फाइनेंशियल टाइप्स में आप बड़ी अच्छी सिक्योरिटी फील करोगे, सेविंग्स में राइज होगी, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको नॉक करेगी। स्टमक रिलेटेड अगर कोई आपको ट्रबल चल रही है तो ये इन दिनों में ठीक होगी। मर्करी और वीनस का आपके 8th हाउस में कंजक्शन कहीं ना कहीं से कोई हिडन अपॉर्चुनिटीज या हिडन मनी आपको नॉक कर सकती है। सडन फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, लॉन्ग जर्नी हो सकती है। ओवरऑल गाइज, ये मंथ आपके लिए बहुत रिवार्डिंग और अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। लेकिन 14th मार्च के बाद जैसे ही आपका रूलिंग प्लैनेट 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा गाइज, तो चीज़ें थोड़ी सी आपकी डिले होंगी या आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं देगी। बट उस चीज़ से घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज द कम्बिनेशन प्लैनेट्स का मार्च में बहुत अच्छा बन रहा है। नो डाउट सन 14th मार्च के बाद आपके असेंडेंस से 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, बट फिर भी प्लेसमेंट यहाँ पर सन की आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल को ज़रूर बढ़ाएगी, लेकिन ओवरऑल आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। गाइज, मार्च 2018 आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है। आपकी गुडविल इम्प्रूव होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी गेन होगी, सडन ट्रैवल्स मुझे बनते हुए दिखते हैं और प्रोडक्टिव ट्रैवल्स मुझे बनते हुए दिखते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ प्लान्स चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है एग्जीक्यूट करने का। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज हाईली रिवार्डिंग एंड बेनिफिशियल फॉर यू। नो मोर अबाउट दिस मंथली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।